नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र के गांव का करार निवासी राशन डीलर सुमेर सिंह पर लगातार कई वर्षों से राशन की कालाबाजारी का आरोप लगा। ग्रामीणों ने उसे मौके पर पकड़ लिया तथा जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को चालक सहित अपने कब्जे में ले लिया। गांव के पूर्व प्रधान मुमताज ने आरोप लगाते हुए बताया कि राशन डीलर सुमेर द्वारा लगातार राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। इसको आज ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने राशन डीलर को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की। कराल से किसका माल है? डीलर साहब का। कहाँ ले जा रहे थे आप? नहीं तो आप कहाँ को था गाड़ी का? आपसे बताया होगा किस जगह लेके जा रहे हैं? अच्छा, काहे के लिए? क्या करना था इसका? ब्लैक करना चाह रहे थे ना आप? ब्लैक कर रहे थे ना आप? कराल कोटे का माल है ना ये। और आज सुबह लगभग 8 बजे बारिश हो रही थी और सुमेर डीलर की 2 गाड़ी चावल की भरी। क्या नाम है डीलर का? सुमेर सिंह। अच्छा। सनौ पूरे सिंह। अच्छा। तो वो गांव से एक उत्तर की तरफ को रास्ता जाता है, वहां पे जो है गाड़ी पकड़ ली गाँव वालों ने, ग्राम वासियों ने, और प्रशासन को फोन किया। वहाँ पे प्रशासन हमारा दरोगा जी पहुँचे 4 कांस्टेबल लेके और मीडिया पहुँची वहाँ। अच्छा। और ये जो सुमेर डीलर है ये चोर है और पहले से ही चोरी करता है, लेकिन हम ये सोचते थे कि अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, लेकिन इसे समझाया ये बात नहीं है। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इससे कोटा खत्म किया जाए, कोटे का दोबारा चुनाव किया जाए और जिसे गांव समर्थन करेगा उसको कोटा दे दिया जाए। अच्छा, क्या मौके पर पुलिस आ गई थी जब गाड़ी? मौके पर पुलिस आई और मीडिया भी आई, एडीएम साहब को भी फोन करा, लेकिन एडीएम साहब नहीं पहुंच पाए, समझ गए। और 18 तारीख में ये चावल बंटता, लेकिन इसने जो है बारिश का मौका उठा करके चावल शेखपुरा में भेज दिया गया। ये बयान जो दिए ड्राइवरों ने दिए हैं जो गाड़ी के ड्राइवर थे, और उसका जो है मीडिया को सारी चीजें मालूम है, मौके मीडिया पहुंची और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की।